चलिए ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन और गॉस की पोजीशन दो नाम है गॉस बी पोजीशन बोलेगा ना तो भी आपको यही बनाना है और गॉस ए पोजीशन में क्या बनाना था एक्सियल लाइन ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन ठीक है। अच्छा इसमें देखिए क्या करना है इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल है ठीक है यस सर इसी के एक्सिस से जी इस लोकेशन पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस लोकेशन पोल है इसका और लेंथ है इसकी 2L सेंटर O ठीक है O से हमने d डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया P ठीक है d डिस्टेंस पे एक पॉइंट दी और इस पॉइंट P पे ही हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ठीक है। तो टेस्ट पोल को हम लोग कहां पर रखेंगे पॉइंट P पर नॉर्थ पोल के कारण यहां पे इसका इफेक्ट देखेंगे और साउथ पोल के कारण यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे ठीक है। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होता क्या है उसको देख लीजिए आप लोग पहले उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम और अच्छे से क्लियर करते हैं। वेन द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी फाउंड where the intensity of the magnetic field has to be found lies on the perpendicular bisector of it is on the neutral axis position or gauss b position चलिए देखिए अब आगे ये देखिए जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हमको वो कहां पे होता है तो आंसर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस ठीक है। इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वो है जिस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए एक लाइन आपने और लिखा है कि न्यूट्रल एक्सिस तो आपको मालूम है कि मैग्नेट का सेंटर जो है कैसा होता है न्यूट्रल होता है और वहीं से एक एक्सिस बनाया है हमने ठीक है तो इसी को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस भी बोल देते हैं। अब देखिए टेस्ट पोल कौन सा पोल लेते थे नॉर्थ पोल की साउथ पोल नॉर्थ पोल लेते थे तो नॉर्थ पोल के कारण इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना होगा और किधर होगा कितना होगा और किधर होगा तो आंसर है नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल क्योंकि अगर इसको रिपेल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा। इसको इसका नाम हमने रखा B1 क्या नाम रखा इसका B1 मैं ये cos B पोजीशन को मिटा रहा हूं ना इसको रफ कर रहा हूं मैं तो नॉर्थ पोल के कारण इस वेस्ट पोल में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमने देखा ऊपर की तरफ होगा ठीक है। इसका नाम हमने रखा B1 ठीक है ये B1 और ये देखिए इस एक्सिस के साथ ये वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है ठीक है कुछ एंगल बना रही है उसको हमने थीटा नाम दिया। अब दूसरा देखिए इस साउथ पोल के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना और किधर होगा तो कितना तो हम लोग उस
इसका डेरिवेशन बनाएंगे तो पता चलेगा कितना होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर टेस्ट पोल नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। yes. तो ये हो गया बी टू की डायरेक्शन। ठीक है, और ये भी जो है इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ। ये वाली लाइन भी थीटा एंगल बना दी है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां से, इसी के पैरेलल मैं एक लाइन इस तरीके से खींच लेता हूं। ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस पर। अच्छा, अब देखिए इस लाइन पे ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये इसी लाइन पे ये वाला एंगल भी क्या बनेगा। अब देखिए इस लाइन पे अगर ये वाला एंगल थीटा बन रहा है तो इसी लाइन पे ये वाला एंगल भी, मतलब एंगल तो उसी लाइन पे बन रहा है जिस पे ये थीटा बन रहा था, यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए और यहाँ पे जो है बी वन का एक कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, बी वन थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, इस लाइन के साथ। तो ये बी वन कॉस थीटा बना और इसी से 90 डिग्री क्या बनेगा, बी वन साइन थीटा, बी वन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये बी टू, बी टू का दो कंपोनेंट बनेगा। ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो बी वन बी टू कॉस थीटा और इससे 90 डिग्री क्या बनेगा, बिंदु साइन थीटा, बिंदु साइन थीटा। ठीक है, इससे 90 डिग्री बिंदु साइन थीटा बना। आप चाहो तो इसको ऐसा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके। ठीक है, तो हम फिर कोई भी रूल, पैरेललोग्राम रूल भी लगा सकते हैं, लॉ लगा सकते हैं या फिर ट्रायंगल का लॉ लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां से तो क्लियर हो गई कि B1 वन साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है और B2 टू साइन थीटा किधर बन रहा है, नीचे की तरफ। अगर हमको ऐसा केस मिल जाए कि B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, मतलब दोनों की वैल्यू एक जैसी हो, तो उस केस में ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और ये वाले दोनों कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात सुनिए। अब हम लोग अपना मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड बी वन, द मैग्नेटिक फील्ड बी वन ड्यू टू द नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड जी वन ड्यू टू द नॉर्थ पोल एंड पी विल बी, एंड पी विल बी, क्या है, क्या लिखे बेटा आपको, मैग्नेटिक फील्ड जी वन ड्यू टू नॉर्थ पोल एक्टिव विल बी। हाँ, कितना हो जाएगा, तो देखिए नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, बी वन, तो ये बी वन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई पूर्ण स्ट्रेंथ, डिस्टेंस क्या लोगे यहाँ एन से पी तक का, कितना डिस्टेंस लोगे, एन पी, एन पी स्क्वायर, एन पी स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा सा एन पी स्क्वायर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां से इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है कि एल है। ओरिजिन से सेंटर से डिस्टेंस कितना एल है, और ये भी क्या है, एल है। लेकिन हमको काम सिर्फ इस ट्रायंगल का है, और ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा होगा, ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये उसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है,
डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको एनपी की वैल्यू चाहिए, एनपी स्क्वायर की नहीं चाहिए ना। एनपी स्क्वायर की कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये रूट हटा करके लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसी पे आइए, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? तो इसको हम लोग इक्वेशन वन लिख लेते हैं। इक्वेशन वन, अब इसी तरीके से दूसरा लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड बी टू, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड बी टू, मैग्नेटिक फील्ड बी टू ड्यू टू साउथ पोल, बी टू ड्यू टू साउथ पोल एट पी विल बी ये कितना हो जाएगा? तो बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। अच्छा, इसमें डायरेक्शन हमने नहीं बताया है क्या? इसमें डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग एनपी। ठीक है, इसमें देखिए बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू एम। डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा? एस से पी तक, तो एस पी स्क्वायर। एस पी स्क्वायर कितना आएगा? अगेन इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, ये भी बन जाएगा। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें डायरेक्शन क्या है? इसमें डायरेक्शन पी एस की। इक्वेशन टू, अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो बात यहाँ पे हम लोग इस कंपोनेंट के लिए कर रहे थे कि B1 और B2 सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाएंगे। वही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बी वन कितना इतना और बी टू कितना इतना, दोनों सेम है। यस सर, आई बात समझ में? अच्छा, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। हेंस सर एक सेकेंड इसको एनपी हमको एसपी के इक्वल मिला, ये देख लो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, नोट कर लीजिए, दस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बी वन इज इक्वल टू बी टू बट देयर डायरेक्शन आर क्या डायरेक्शन है? अच्छा, वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन बी वन और बी टू की डायरेक्शन। तो देखिए आर अलोंग एनपी, ऊपर वेक्टर लगा लेंगे एनपी वेक्टर एंड पीएस वेक्टर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब देखिए वन और टू से हमको क्या मिल रहा है? बी वन किसके इक्वल मिल रहा है? बी टू, बी टू है ना, फ्रॉम वन एंड टू। इक्वेशन वन और
टू से, है ना। अच्छा बी वन और बी टू हमको इक्वल तो मिल रहा है, और इसी के साथ साथ बी वन और बी टू के कंपोनेंट भी देख लीजिए, बी वन साइन थीटा और बी टू साइन थीटा। तो बी वन साइन थीटा इक्वल्स होगा बी टू साइन थीटा के, ये कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। अच्छा ये कंपोनेंट आपस में इक्वल है लेकिन उनके डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये देखिए बी वन साइन थीटा इक्वल होता है बी टू साइन थीटा के, हो गया यहां से, है ना। लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट है इनकी डायरेक्शन, तो उसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। पहले ये इतना लिखने के बाद आप लोग लिखिए, इतना लिखने के बाद सिंस देयर डायरेक्शन आर डायरेक्शन आर अपोजिट एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। ये देखिए बी वन का मैग्नीट्यूड इतना है और बी टू का मैग्नीट्यूड इतना है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। बी वन ऊपर की तरफ बन रहा है और बी टू नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देख लीजिए, हैंस दे कैंसल, हैंस दे कैंसल ईच अदर, ईच अदर द रिजल्टिंग फील्ड, द रिजल्टिंग फील्ड देखिए रिजल्टिंग फील्ड कितना बनेगा, इसको रफ कर लू मैं जी, यहां लिख देता हूं। बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये रिजल्टिंग फील्ड है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो रिजल्टिंग फील्ड बनाएंगे। तो बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा, यही जो है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। अब B1 और B2 आपस में अगर इक्वल है तो मैं इस B2 को या तो B1 लिख लूं या तो इस B1 को क्या लिख लूं B2, B2. B2. तो B is equals to, मैंने इसको B1 cos theta लिखा और इसको भी B1 cos theta, आप लिख देना बाजू में रिजल्ट B1 is equals to B2, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, B1 plus B1, B1 cos theta plus B1 cos theta two times cos B1, B1 cos theta, two times of B1 cos theta. इसके आगे देखिए B is equals to, मैंने इसको भी मान लिया है, ये टू इंटू बी वन की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में कंपोनेंट है कॉस थीटा। कॉस थीटा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यस बेस अपॉन, ठीक है ओके। तो कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं, कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OPS OSP cos theta is equals to बेस कितना है इसका L, और हाइपोटेनियस कितना है रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। क्या होगा ये बेस OS और हाइपोटेनियस PS, ठीक है। तो PS की वैल्यू रूट में होगी, PS स्क्वायर की रूट में नहीं होती है, PS स्क्वायर होता है तो रूट घट जाता है, ठीक है। अच्छा इसको ना कुछ इक्वेशन नाम दे दो, थ्री नाम दे दो, और पुट कर दो कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन थ्री में, B इज इक्वल टू टू इंटू म्यू नॉट फोर पाई अपॉन ना टू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन
ये रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। रूट ये देखिए टू क्यू एम एल इसके इक्वल होता है एम के, टू क्यू एम एल जो है वो पोल स्ट्रेंथ एम के इक्वल होता है, सॉरी डाइपोल मोमेंट एम के इक्वल होता है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यहाँ पे इसकी इसकी और इसकी इन तीनों की जगह पर सिर्फ मैंने क्या रख दिया एम रख दिया और बाजू में रीजन बता दिया टू क्यू एम एल जो है वो डायपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें से रूट हटा दीजिए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 प्लस 1/2 बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर में 3/2। ये नेट इंटेंसिटी हमको मिल चुकी है यहां पर।